अगर आप अपने बैंक खाते में डीबीटी चालू है या नहीं यह स्टेटस जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बहुत ही आसान और नया तरीका बताने वाले हैं। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं और सालाना 6,000 रुपये समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके बैंक खाते में डीबीटी ऑप्शन चालू होना ज़रूरी है। कौन से बैंक खाते में चालू है और आप बाकी विवरण स्टेटस आप चेक कर सकते हैं डीबीटी से संबंधित, तो आप अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना है NPCI। सर्च करते ही पहला ही पहला NPCI.org.in वेबसाइट खुलेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पीएम किसान योजना का पैसा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डीबीटी स्टेटस ज़रूर चेक करें। अब यहाँ पर आपको कस्टमर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिए गए भारत आधार सीडिंग इनेबल, यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका स्टेटस इस प्रकार खुलेगा, जिसमें आप थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना होगा और नीचे कैप्चा कोड डालना होगा और नीचे बताए गए गेट OTP यानी स्टेटस चेक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखा है 6 डिजिट OTP हैज बिन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अब यहाँ पर OTP मैं डाल देता हूँ और नीचे जो सबमिट ऑप्शन दिया है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब सबमिट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आधार के लास्ट 4 अंक दिखाए गए हैं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं इनेबल फॉर DBT, यानी आपका DBT आपके बैंक खाते में चालू है, आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिलता रहेगा। अब आपको जानना है कि कौन से बैंक खाते में चालू है, तो कब चालू हुआ था, तो यहाँ पर आप लास्ट अपडेट देख सकते हैं 2016 में 8 तारीख को, यहाँ पर 8वें महीने के 16 तारीख को यहाँ पर इनेबल हुआ था DBT आपके बैंक खाते में। अब यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लास्ट रिक्वेस्ट डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पर 13 को रिक्वेस्ट की गई थी और 16 को आपका DBT चालू किया गया था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा बैंक है, तो यहाँ पर बैंक नेम में बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें आपका DBT चालू है। अब यहाँ पर OD अवेलेबल डेट भी देख सकते हैं, OD फ्लैग देख सकते हैं, कस्टमर रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं, आपने कब रिक्वेस्ट डाला था यानी बैंक में कब आपने DBT के लिए रिक्वेस्ट दी थी और आपका कब एक्सेप्ट हुआ था, कितने दिन लगे थे, तो इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं 2016 में 4 दिन बाद में ये एक्सेप्ट हो गया था। इस प्रकार आप ये स्टेटस चेक कर सकते हैं आपको सरकारी योजनाओं का फ़ायदा बिना समस्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा बिना किसी समस्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका DBT स्टेटस आपको बताएगा और कौन सा बैंक खाता DBT के साथ जुड़ा है ये भी आपको पता चल जाएगा। सरकार की ये नई सुविधा आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप किसी भी योजना के लाभार्थी हैं तो ये स्टेटस ज़रूर चेक करना। उम्मीद करता हूँ जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।